हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास फॉर फिजिक्स। आज के क्वेश्चन भी बेस्ड रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट पे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक आपका सही हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे क्या करते हैं हम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, टॉर्क की। और इस टाइम पे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, तो उसके पास जो नेट फोर्स है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी टॉर्क बट नो नेट फोर्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग शेल एट एनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कब होती है, जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे या इनसाइड द कंडक्टिंग शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर इज। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, डी एस क्या आ गया, स्मॉल सरफेस एरिया आ गया, और वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू जो क्या है हमारे पास चार्ज है या चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मान लो यहाँ पे जैसे क्यू है। ये डेफिनेशन आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो जब चार्ज कैसा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्यू की क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दो वन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितनी आ जाएगी, एप्साइलन नॉट माइनस वन। डिनोमिनेटर से कहाँ पे ले गए, न्यूमिनेटर में, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। रैदर इसके अगर यहाँ पे ऑप्शंस में होता वन अपॉन एप्साइलन नॉट, तो आप क्या कर सकते थे, उसको चूज कर सकते थे, बट क्या है ऑप्शन में इस तरह का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट है, ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर नेगेटिवली चार्ज्ड। रब करने वाला ये कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आ गई। जब रब किया, एक बॉडी कैसी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होंगे कहाँ से, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक तो आउटर मोस्ट शेल में होंगे, और जब क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, जिसका लिंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। आप उसको अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होती है, जब किसी फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही एक कोई बॉडी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ऐसे केस में जो बॉडी है वो कोई भी चार्ज लूज नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है, हम एक चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं। तो ये जो चार्ज रॉड है ये क्या कर देगी, इस कंडक्टर को चार्ज कर देगी बाय इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, और इस केस में जो चार्ज है वो लूज नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ जाता है हमारे पास एन ई। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ
मैग्नीट्यूड या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। और किसे इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले, तो ये किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। डी क्या आ गया, राइट आंसर। 1909 में मिलिकन ने कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिलके एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका मोटिव क्या था, जिसका मोटिव था डिटरमाइन करना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ओके, तो इसीलिए क्या आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से। क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, क्या हो सकती है एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हमेशा कंटिन्यूअस होगी, या कंटिन्यूअस होगी इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, या डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, और डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकती है इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे क्या हो, चार्ज हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज दिया है प्लस क्यू, जिसको किसी डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, मान लो वो डिस्टेंस कितना है, डी है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन द फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, जो दूसरी साइड होगी प्लेन की वहां पे फील्ड क्या होगी। तो फील्ड क्या होगी, किस साइड पे होगी, से अपोजिट साइड पे होगी, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ऑप्शन कौन सी है, ये आ गया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। बाकी ऑप्शन में क्या है, डायरेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टर रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, या डायरेक्टर रेडियली टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो क्या होगी, ये डायरेक्टर होगी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, जब हमारे पास क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, क्यू है दोनों का, बट कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आगे। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, टू ए है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन आ गई। और इसकी यूनिट की बात करें तो एक तो इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। ठीक है, बट जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, वो कौन सी आ जाएगी, डीबाई आ जाएगी, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो अगर कूलम मीटर होगा तब वो भी क्या है, सही यूनिट है, और डीबाई भी राइट है। और अगर मैथमेटिकल इसकी बात करें तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन आ गई, या मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ये हमारे पास गिवन है, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू, और उनको एक लाइन ज्वाइन करती है, और उनके सेंटर के बीच में एक चार्ज रख दिया क्यू। हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ चार्जेस क्यू एंड क्यू कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे, यहाँ से लेके क्यू तक जो डिस्टेंस है एक्स है, अगेन क्यू से लेके क्यू तक डिस्टेंस एक्स है, और नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगी, जो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, देन इस और इस चार्ज के बीच में जितनी फोर्स होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स
प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करें, क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट एक्स स्क्वायर, इसको हम दूसरी साइड ले गए, क्या बन गया ये, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट 2x होल स्क्वायर आ गए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, एक क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू कितना रह गया हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, अगर इस क्यू को इधर ले जाएं तो क्या आ गया, ये -1/4। द रेशियो ऑफ चार्जेस क्यू एंड क्यू कितनी आ जाएगी, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, -1/4 आ गया आंसर। ओके, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने अब काफ़ी 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद भी अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम थोड़े और क्वेश्चन भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।